प्रजापति देवी मंदिर से 29 मार्च को भव्यता के साथ निकलेगी दक्ष कन्या माँ भगवती शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को लेकर शहर में चल रहा जोर शोर से प्रचार प्रसार। टेढ़ी बगिया के नाई सराय में ओम प्रकाश प्रजापति, हरिमोहन प्रजापति, बाल किशन गोला सैकड़ों प्रजापति समाज के लोगों के लेकर यात्रा में होंगे शामिल। प्रजापति देवी मंदिर से 29 मार्च को भव्यता के साथ निकलेगी दक्ष कन्या माँ भगवती शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को लेकर शहर में चल रहा जोर शोर से प्रचार प्रसार। टेढ़ी बगिया के नाई सराय में ओम प्रकाश प्रजापति, हरिमोहन प्रजापति, बाल किशन गोला सैकड़ों प्रजापति समाज के लोगों के लेकर यात्रा में होंगे शामिल। आपको बता दें, नवरात्रि की अष्टमी यानी 29 मार्च को नालबंद चौराहा स्थित प्रजापति देवी मंदिर से निकल रही दक्ष कन्या माँ भगवती शोभा यात्रा की तैयारियों में पूरे उत्साह के साथ प्रजापति समाज के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रविवार की शाम टेढ़ी बगिया स्थित नाई की सराय में ओम प्रकाश प्रजापति, हरिमोहन प्रजापति, बालकिशन गोला के यहाँ यात्रा का आमंत्रण पत्र देकर उनके साथ फोटो खींचवाएं। ओम प्रकाश प्रजापति, हरिमोहन प्रजापति, बालकिशन गोला ने संयुक्त रूप से बताया कि पूरे जोश के साथ हम शोभा यात्रा में शामिल होकर अपनी दक्ष कन्या माँ भगवती शोभा यात्रा को सफल बनाने का कार्य करेंगे। शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर समाज में बहुत ही उत्साह है, उमंग है। कोरोना के 3 साल के बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है, जिसके कारण लोगों में बहुत ही उत्साह उमंग से अपनी अपनी झांकियों के लिए सब लोग तैयार हैं। और कोई डीजे लगाकर माता रानी की झांकी को अपने व्यवस्थित तरीके से सजाकर झंडे लाकर बैनर लाकर उसको तैयार कर रहे हैं। इसमें बच्चे बड़े बूढ़े माता बहनें सब लोग इसके लिए उत्साहित हैं और 29 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ नाव की सराय में टेढ़ी बगिया में कल अपनी आमंत्रण यात्रा है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सभी लोग अपने एक माता रानी के जो 29 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी उसके लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए एक मोटरसाइकिल से हम जो शोभा यात्रा रूट है हम लोग उस पर निकलेंगे। और इसमें सभी दोपहिया वाहनों के साथ अपने यातायात के नियमों का पालन करते हुए उसमें लोग रहेंगे। और इस शोभा यात्रा के लिए लोगों में बहुत ही उत्साह है, उमंग है और सब लोग बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। दक्ष कन्या माँ भगवती की शोभा यात्रा विगत 27 सालों से पहले से निकल रही है। 3 साल या अगर ये कोरोना का नहीं होते तो 30वीं होती। प्रजापति समाज के विभिन्न मोहल्लों में जा जाकर हम लोग झांकियों के लिए संपर्क कर रहे हैं। प्रजापति समाज के लोगों में बड़ा उत्साह और उमंग दिखाई दे रही है कि 3 साल बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है। हर जहाँ जा रहे हैं, जहाँ प्रजापति समाज के लोग अपनी अपनी झांकी लेकर इस शोभा यात्रा में 29 तारीख को सम्मिलित होंगे। और वाहन रैली जो 27 तारीख को निकलेगी नालबन चौराहे पर एकत्रित होकर सुबह 10 बजे वाहन उसी मार्ग पर जहाँ शोभा यात्रा निकलेगा वहाँ से आमंत्रण देते हुए वहीं नालबन चौराहे देवी मंदिर पर समाप्त होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, विगत 27 सालों से प्रजापति समाज की ये दक्ष कन्या माँ भगवती शोभा यात्रा की समिति शासन और प्रशासन से ये मांग करती रही है कि जिस पर अम्बेडकर में और राम बारात में अनुदान की जो राशि झांकियों को दी जाती है वो प्रजापति समाज की शोभा यात्रा में भी दी जाए। इसको मांग पत्र शासन से कई बार दे चुके हैं लेकिन शासन पे जरा भी जू नहीं रह रहा है। जय हिंद, जय प्रभात। शोभा यात्रा के संयोजक सुनहरी लाल गोला, महामंत्री नवीन प्रजापति, भीष्मपाल प्रजापति ने ट्रांस यमुना में प्रमोद प्रजापति के यहाँ यात्रा का निमंत्रण देकर शोभा यात्रा में आने की अपील की। इस अवसर पर कमेटी के संयोजक सुनहरी लाल गोला, महामंत्री नवीन प्रजापति, भीष्मपाल प्रजापति, रविंद्र चाहर, बंटी प्रजापति कमला नगर, मीडिया प्रभारी सुमित प्रजापति उपस्थित रहे। खूब अच्छी तैयारी चल रही है और हम और सब लोग हमारे जाने पहचान भाई बंधु और परिवार के सदस्य शोभा यात्रा निकलेगी उस दिन सब लोगों को लेके पहुंचेंगे और सब उत्साह के साथ सब लोग उमंग भरे काम कर रहे हैं और उमंग से ही काम कर रहे हैं और जहाँ तक है तहाँ तक भव्य बनाने का हर प्रयास संभव करेंगे। शोभा यात्रा में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, इसको लेकर सोच रहे हैं। देखो झांकिया की झांकी की प्रस्तुति एक देने की सोच रहे हैं।